दोस्तों अभी घर से तो निकल गए हैं और हमारे साथ हो गया अभी पोपट। हाथ में सोच रहा हूँ कि पापा को जो वो इंस्टॉलमेंट के पैसे भी दे ही देते हैं। मैं ना हेयर स्टाइल के मामले में एक अपने आर्टिस्ट भाई को फॉलो करता हूँ। दोस्तों अभी हम जो हैं वो पैदल जा रहे हैं और वजह यही है कि बसेस कोई भी नहीं है। जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कैसे अभी होगी सुबह और जैसे कि आपको पता ही है, पीछे वाले लोग अगर देखा होगा तो मैं आया हूँ दीदी के घर में और यहाँ पे अभी जो वो हम कर वाले ब्रेकफास्ट। तो रात को जो वो बारिश हुई थी यहाँ पे, तो देखिए आप नज़ारे कुछ इस तरह के, और अंदर आए दीदी आंटी और अंकल होंगे। गुड मॉर्निंग आंटी, कहाँ है आंटी? अच्छा अच्छा, तो अभी बाहर गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह अच्छी हो गई है, क्योंकि बारिश के बाद जो मौसम है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, आंटी जी को आने देते हैं। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और सुबह के बाद से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, और अभी जो वो शाम हो ही गई है तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर। दीदी को करते हैं आज टाटा एंड बाय बाय। दोस्तों अभी घर से तो निकल गए हैं और हमारे साथ हो गया अभी पोपट। हम इस बस में आए और ये बस जो वो यहीं तक आई, तो यहाँ से जो वो हमें दूसरी बस लेनी पड़ेगी। तो नीचे से जो वो बस आ रही है तो उसका वेट करते हैं। और यहाँ पर सामने व्यू देखिए आप, वाओ क्या ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए पहाड़ के साथ ही दुकानें लगा रही हैं। तो अभी पहुँच गए हैं जसिमपुर में और अभी यहाँ पे ना कटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि कल जाना है मुझे सुजानपुर, तो उसके लिए कटिंग करवा लेते हैं सबसे पहले। तो मैं आया हूँ हाईलाइट सैलून पे अपने भाई की दुकान पे, तो अभी चलते हैं अंदर। तो अभी आ गया हूँ मैं कटिंग करवा के। और हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और मैं ना हेयर स्टाइल के मामले में एक अपने आर्टिस्ट भाई को फॉलो करता हूँ, तो अगर आप मतलब आपको हेयर स्टाइल देख के थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है तो कमेंट में बताओ मेरे को कौन है वो। और यहाँ पे देखिए जसिमपुर ग्राउंड का हाल देखिए क्या बना हुआ है। अभी जो वो जितने भी ये हैं ना पशु, सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं और ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है ग्राउंड में, तो जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और सामने जो सूरज है बादलों के पीछे छिपा हुआ। तो अभी हेयर स्टाइल वाला काम तो हो गया है, अब एक और काम है मुझे ना। जैसे आपको पता ही है मैंने आईफोन लिया है 13, जो कि मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो उसकी जो वो आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं पापा को दूंगा, तो उसके लिए पहले मुझे अपने बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे, तो वो वाला काम अभी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े कपड़े भी ख़रीदने हैं, तो उसके बाद चलते हैं फिर भाई की दुकान पे, पहले बैंक वाला काम कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आए थे जसी की दुकान पे। हेलो। तो अभी यहाँ पे जो शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत वो कर ली है, अभी चलते हैं घर, क्योंकि बस भी कोई नहीं मिलेगी क्योंकि लेट हो गए हैं बड़े ज़्यादा। चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम जो हैं वो पैदल जा रहे हैं और वजह यही है कि बसेस कोई भी नहीं है, क्योंकि टाइम जो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बट अभी धूप लगी है और बसेस बंद हो गई हैं, 6 बजे तक की होती है बसेस, और अभी जो वो 6:30 से ऊपर हो गया है टाइम। तो अभी जा रहे हैं पैदल पैदल, यहीं से शॉर्टकट है अपने गांव को, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर घर में। दोस्तों अभी फाइनली पहुँच गए हैं अपने रास्ते में, और ये देखिए अर्नब ने ये दे दिया मेरे पास, आई लव इंडियन आर्मी। और यहाँ पर चला भाई, ये किससे लिखवाया? ये लिखवाया नहीं, पहले से मिला पत्रों में लिखा। अच्छा भाई, ये देखिए अब इसको लेके जा रही हैं घर में रखना है ये? हाँ। अंदर की बाहर? नहीं बाहर बाहर। अच्छा, यो यहाँ पे लिखा है आई लव इंडियन आर्मी, तो अभी लेके चलते हैं इसको। तो दोस्तों अभी रात हो गई है और अभी जो वो मम्मी पापा बुला रहे हैं ऊपर डिनर करने के लिए, और गोलू तो करेगा नहीं डिनर, और मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर। तो लगते हैं हाथ में सोच रहा हूँ कि पापा को जो वो इंस्टॉलमेंट के पैसे भी दे ही देते हैं। और मेरे को एक बात याद आ रही है, जैसे हम छोटे होते थे ना और जब हम पापा से पैसे मांगते थे सुबह सुबह, क्योंकि हमें कभी भी फीस देनी हो स्कूल की कुछ भी होता था, तो मतलब पापा बोलते थे कि शाम को मांगना, शाम को मांगते हैं, सुबह सुबह पैसे नहीं मांगते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शाम को दे देते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर और मम पापा से भी मिलवाते हैं आपको, क्योंकि अभी तक मिलवाया नहीं है।
तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है और रात को जो वो मैं पैसे नहीं दे पाया था तो अभी सुबह दे देंगे। और अभी जो वो मतलब रात को मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि रात को जो वो पापा को मतलब थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आया था तो मतलब तो ऐसे ही थोड़ा मूड ख़राब हो गया तो फिर मैंने नहीं दिए। और मेरे यार ऐसे सिस्टम है ना कि जैसे अगर जो चीज़ नहीं है ना वो मैं दिखाता भी नहीं हूँ, जैसे कि अगर मैं चला जाता और पैसे देता झूठी मूठी से तो वो मेरे से नहीं होता है, तो जो रियल होता है मेरे को वही दिखाना होता है और वही मेरे से दिखाया जाता है, मेरे से झूठ मूठ की एक्टिंग नहीं की जाती है। तो बस ये है और बस करते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग जो वो पसंद आया होगा। मुझे पता है छोटा ब्लॉग बना है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हो जाता है प्रॉब्लम्स बीच बीच में। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग जो वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एक लाइक कर देना और कमेंट में बताओ मेरे को ब्लॉग कैसा लगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो वो ट्रैवलिंग के आने वाले हैं एक दो, तो बन रही चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और सोर्स चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।